टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा और डिग्री फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए कुछ खास जॉब अपडेट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहो तो वहां से इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। अगर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा भी हासिल है, जो अपने कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसी के साथ साथ अगर इसकी कामकाज की बात की जाए तो इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी है, जो कि 2007 में लिस्ट की गई थी। इस कंपनी के बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स जाननी है तो इनकी वेबसाइट को ओपन करके यहां पर सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दे रखी है, आप चाहो तो यहां पर आके पढ़ सकते हो। अगर जो फिलहाल अपडेट है उसकी बात करें जॉब के लिए या वैकेंसीज के लिए, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ से फ्रेशर इंजीनियर्स को डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से अप्रेंटिसशिप के लिए इनवाइट किया जा रहा है। अब अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है, इस तरह की कंपनी इंजीनियर्स को फ्रेशर्स को एक साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जिसके लिए वो इनवाइट करते हैं और उनको मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं। तो इन वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो ओवरऑल जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से इनकी वैकेंसीज निकाली गई है वो 1100 प्लस वैकेंसीज है, 1150 के आसपास वैकेंसीज है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो 263 वैकेंसीज है सिविल इंजीनियर्स के लिए, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो और यहां पर इंटर्नशिप के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए एक साल के लिए जा सकते हो, आपको वहां मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि उसके अंदर क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहां-कहां पर वैकेंसीज है और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहां पर देख सकते हो उनकी होम स्क्रीन के ऊपर ऊपर मेन्यू है, यहां पर यहां एक करियर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस करियर के ऊपर जैसे ही आप माउस ले जाओगे वहां आपको बॉटम में एक ऑप्शन दिखेगा, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। तो ये जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें इनके नई जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। इसके अंदर आपको स्टेट वाइज रीजन वाइज आपको सारी वैकेंसीज या उनकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो दे रखी है। चलिए पहले मान लीजिए कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह ये जो रीजन है या जो स्टेट है इनके अंदर अगर हमें जानना है कि यहां पर कितने इंजीनियर्स को बुलाया जा रहा है, किस किस ब्रांच से बुलाया जा रहा है, तो इसकी जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसका क्लिक हियर पे ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी। इस पीडीएफ फाइल के अंदर आपको सारी डिटेल दे रखी है कि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा, अगर हम सिविल की बात करें तो डिप्लोमा सिविल के लिए एक वैकेंसी है, उसी के साथ साथ ग्रेजुएट यानी डिग्री जो सिविल है उसके लिए यहां पर एक वैकेंसी है। उसी तरह से साथ साथ अगर देखा जाए हरियाणा की बात अगर करें तो डिप्लोमा सिविल के लिए 10 वैकेंसी है, यानी 10 लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ग्रेजुएट सिविल यानी डिग्री सिविल की बात करें तो यहां पर 3 वैकेंसी है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो डिप्लोमा सिविल के लिए 4 वैकेंसी है और ग्रेजुएट सिविल के लिए 1 वैकेंसी है और बाकी स्टेट भी यहां पर वैकेंसी जो भी है उनकी यहां पर आपको दे रखी है, आप यहां पर आराम से पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ यहां पर जो ट्रेनिंग लोकेशंस होंगे वो भी आपको बताएंगे कि अगर दिल्ली में आप अगर प्लेस किए जाते हो तो दिल्ली में उनके जो ट्रेनिंग लोकेशंस है वो आपके सामने, उसी तरह से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह ये सारे लोकेशंस यहां पर मौजूद हैं। उसी के साथ साथ यहां पर कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। अगर हम डिप्लोमा सिविल की बात करें तो आपके पास 3 साल का एक डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए कंप्लीट फुल टाइम। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो 12,000 रुपए पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसी के साथ साथ अगर ग्रेजुएट यानी डिग्री सिविल की बात करें तो आपके पास 4 ईयर की फुल टाइम एक कंप्लीट सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए बीई या बीटेक, आपको स्टाइपेंड यहां पर 15,000 पर मंथ दिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहां पर जो ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते वो 4 कंडीशन है जिसकी वजह से आप यहां पर एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ये 4 कंडीशन आपको यहां पर आपके सामने दे रखी है। पहला तो ये कि अगर अभी आपका फाइनल एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो नहीं आया तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ अगर आपकी एज 18 ईयर्स नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते और अगर इस तरह की कोई अप्रेंटिसशिप आपने कहीं और ले रखी है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते और अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये 4 कंडीशंस हैं। अगर ये 4 कंडीशंस आप पे लागू होती हैं या इनमें से कोई भी एक लागू होती है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते और अगर इनमें से कोई भी आप पे लागू नहीं होती तो फिर आप अप्लाई यहां पर कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन एप्लीकेशन पे जो आप अपनी डिटेल भरोगे, जो अपना एकेडमिक या क्वालिफिकेशन या मार्क्स वगैरह जो भी आप यहां पर इनपुट करोगे, डेटा उनको सबमिट करोगे, उसके बेसिस पर जो आपके मार्क्स या परसेंटेज होंगे उनके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहां पर आपको कोई भी किसी तरह का ट्रैवल अलाउंस वगैरह आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सारा आपको अपने एक्सपेंस पे जाना पड़ेगा और जो डॉक्यूमेंट वो आपको मंगवाएंगे वेरिफिकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आपको जाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो आपकी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको इसके अंदर जो है 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा, आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसी के साथ मंथली आपको अगर डिप्लोमा से हो तो 12,000 रुपए पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा और अगर आप डिग्री से हो तो 15,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा।
अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो कैसे अप्लाई करना है, अगर आप एचआर एग्जीक्यूटिव, सीएसआर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव लॉ, आईटीआई वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस ऊपर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और अगर आप डिग्री या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के लिए या इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो ये दूसरा पोर्टल है, उस पर क्लिक किया हमने। यहां पर देखिए आपको एनरोलमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको एनरोलमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहां फर्दर जो भी डिटेल्स आपसे मांगेगा वो सारी डिटेल्स आपको फिलअप करते हुए उसको सबमिट करना है। एट द एंड आपके पास एक एनरोलमेंट नंबर रहेगा, एक एनरोलमेंट आईडी रहेगी, उस आईडी को आपको संभाल के रखना है और उस आईडी के बाद आपको वो पावर ग्रिड के पोर्टल पर अप्लाई करना है, वहां पर देना है आपको, ठीक है। चलिए तो हम यहां पर देखते हैं दोबारा। यहां पर जैसे ही आपको वहां से आईडी मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल जाता है, आपको फिर इस वेबसाइट पे आना है पावर ग्रिड की और यहां पर करियर पेज में जाके रोलिंग एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। और यहां देखिए आपको दिख रहा होगा ये अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन पावर ग्रिड, इस पे क्लिक, हियर पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके पास ये एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज के अंदर आपको जितनी भी वैकेंसीज है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी कि कौन सी वैकेंसीज कहां पर है, किस स्टेट में है, किस सिटी में है और एप्लीकेशन की डेट क्या है, फाइनल डेट क्या है, टेंटेटिव वहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी है, कौन से ईमेल पर आपको पर्टिकुलर रीजन के लिए कॉन्टेक्ट करना होगा, ये सारी डिटेल्स आपको यहां पर दे रखी है। अगर देखा जहां पर कुल 20 पेजेस है, यहां पर आप बॉटम में देखो 20 पेजेस है, इन 20 पेजेस के अंदर आप अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर्स देखोगे तो टोटल 263 वैकेंसीज है, इसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही शामिल है। तो आप यहां पर अपने रीजन के मुताबिक, अपने लोकेशन के मुताबिक इनकी वैकेंसीज को सर्च करके वहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बॉटम में यहां पर क्लिक हियर टू अप्लाई दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। अप्लाई जैसे ही क्लिक करोगे वहां पर आपके पास जो एनईटीएस का एनरोलमेंट नंबर था पहले वो यहां पर एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आई हैव एग्री पे टिक मार्क करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो फर्दर आपकी प्रोसेस मांगेंगे वो लोग डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप वो सारे आपको फिलअप करके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इन्होंने स्टार्ट किया है ओपनिंग इसकी एप्लीकेशन की वो है 7/7/2022 से और इसकी जो क्लोजिंग डेट है, जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो 31/7/2022 है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है कि कैंडिडेट हु पजेसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशनड, यानी जो हमने अभी एडवर्टाइजमेंट के अंदर पढ़ा कि अगर डिप्लोमा है तो 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, डिग्री है अगर आप ग्रेजुएट है तो फिर आपके पास 4 साल की डिग्री कंप्लीट हुई होनी चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहां पर बताया विद इन 2 ईयर्स ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ओके। यहां पर कैंडिडेट जो अप्लाई जो एलिजिबल नहीं है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये प्रोसीजर थी इसके अंदर। अब जितनी भी यहां वैकेंसीज है 263, आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप 1 by 1 सभी वैकेंसीज को चेक करो अपने लोकेशन के मुताबिक, गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक वगैरह जितनी डिफरेंट यहाँ स्टेट है आप देख सकते हो। आप जहां जिस लोकेशन से बिलोंग करते हो आप पर्टिकुलर उस लोकेशन की वेबसाइट को या उसकी लिंक को यहां पर ओपन करके उसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हो और उसको पढ़ के वहां पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो या फिर यहां जो इनके पावर ग्रिड के अंदर जो आपको दिए गए थे मेल वगैरह आप यहां पर भी उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर सिविल इंजीनियर्स के लिए, खासकर फ्रेशर्स के लिए कुछ खास अपडेट्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इसमें आप अप्लाई भी करोगे। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।